Good morning, class 5 students. Today we are going to start a new topic, that is your money, chapter number 12. To take out page number 199. Okay, so as you all know, what is money? Money क्या होती है, जिससे हम सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं या एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, that is called money. और हर एक कंट्री की, you know, the currency is different, because हमारे जो हमारी इंडिया में करेंसी है वो है हमारी रुपीस, यू ऑल नो. सो द साइन ऑफ रुपीस, लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अ फ्यू टॉपिक्स. ओके, सी योर टॉप, योर चैप्टर नंबर इज, फर्स्ट लेट मी राइट द चैप्टर. चैप्टर इज 12, इट इज रिलेटेड टू मनी. फाइन, यू ऑल नो मनी का साइन. पहले बेटा हमारा मनी का साइन हम लोग लिखते थे रुपीज, यू ऑल नो. नाउ इट हैज बीन चेंज, इंस्टेड ऑफ रुपीज वी ऑलवेज राइट दिस साइन, वी यूज दिस साइन फॉर रुपीज. ओके, सो डोंट राइट दिस नाउ, डोंट यूज दिस नाउ, यूज दिस वन. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट विथ अ फ्यू टॉपिक्स. मनी आपने कन्वर्जन वगैरह मनी बहुत पहले करा था, आपने फोर्थ क्लास में, यू हैव ऑलरेडी डन. नाउ यू हैव कम टू क्लास 5. सो अनदर टॉपिक रिलेटेड टू मनी इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. नाउ वॉट इज कॉस्ट प्राइस, इस जो आपके फिफ्थ क्लास में हमारे टॉपिक्स हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस. सबसे पहला टॉपिक जो है आपका है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. जिस भी अमाउंट पर आप कोई चीज को खरीदते हैं, दैट बायर की तरफ दो व्यक्ति होते हैं. जब भी हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, आपको पता है एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है. अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो भी आर्टिकल आप जिस पे खरीदते हैं, जिस अमाउंट पे खरीदते हैं, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस. जैसे आप बाजार गए, आपने जाके शॉपकीपर को बोला कि हमें एक पेन दे दो. सपोज यू बॉट अ पेन, पेन आपने लिया, उसने आपको कहा दैट इज फॉर 10 रुपीज. अगर वो 10 रुपए का है, तो इट मीन्स 10 रुपीज इज योर कॉस्ट प्राइस. वो आपकी, क्योंकि आप खरीद रहे हैं ना उस चीज को, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी. एंड ऑन द अदर हैंड जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के लिए वही 10 रुपए उसका सेलिंग प्राइस होगा, जिसपे वो बेच रहा है. तो इट मीन्स दो व्यक्ति होंगे. देखिए, लुक एट द बोर्ड, दो जने होंगे. एक होगा बायर जो खरीदेगा सामान को, ठीक है, और दूसरा होगा सेलर. अब आप गए जी बाजार, आपने चीज खरीदी, तो जो 10 रुपीज हैं, रुपीज 10 का जो आपने पेन खरीदा, वो आपके लिए तो बन गया, क्योंकि आप बायर हो, आपने उस 10 रुपए की चीज को खरीदा, तो वो आपका बन जाएगा कॉस्ट प्राइस. ओके, आपका वो कॉस्ट प्राइस होगा जिसपे आप सामान खरीद रहे हो. और वही कॉस्ट प्राइस, वही 10 रुपए सेलर के लिए क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द सेलिंग प्राइस, जिसपे वो बेच रहा है उस 10 रुपए को, 10 रुपए के पेन को. तो वो 10 रुपीज उसका बन जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन. गॉट इट? तो हमारे टू वेज चलता है ये कोई भी चीज. मम्मी गई बाजार सामान खरीदने के लिए, उन्होंने कहा वेजिटेबल, सेलर को बोला गिव मी 1 kg ऑफ पोटैटो, उन्होंने खरीदे, उसने कहा जी 25 रुपए है. सपोज उसने कहा 25 रुपए, मम्मी ने कहा कि ठीक है 1 किलो आलू दे दो, पोटैटो दे दो जी 1 किलो. तो वो जो मम्मी ने पोटैटो खरीदे, 1 kg पोटैटो जो खरीदे 25 रुपीज के, तो आपकी मम्मी की तरफ एंगल जो होगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटो. और ऑन द अदर हैंड सेलिंग प्राइस किसका बन जाएगा, जो वो वेजिटेबल सेलर है, उसके सेलिंग प्राइस पोटैटो को क्या बन गया, 25. तो ये टू वे सिस्टम चलता है इस तरह से. फाइन, सो अंडरलाइन इन योर बुक द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, कम टू पेज नंबर 199. इन द टॉपिक ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कम टू पेज फिफ्थ लाइन, द डार्कर वन, जो डार्क दिया हुआ है. कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, जिस पे हम खरीदते हैं किसी चीज को. एंड सेलिंग प्राइस दैट इज कॉल्ड एसपी बोला जाता है. और कॉस्ट प्राइस के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं सीपी. सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड.
फाइन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, आप गए, आपने कहा, शॉपकीपर ने कहा जी देखो वैसे तो कीमत इसकी 10 रुपीज है, लेकिन मैंने इसके ऊपर 2 रुपए मेंटेनेंस भी लगा दिए, किसी चीज को मेंटेन करने के लिए या संभाल के रखने के लिए, या इस चीज के लिए मेरे 2 रुपए एक्स्ट्रा पड़ गए। तो जो आपके ये 2 रुपए हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं हम ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये एक टॉपिक और है इसमें, ओवरहेड एक्सपेंसेस, दे आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। शॉपकीपर ने कहा जी देखो कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट प्राइस जो है इसका 10 रुपए की चीज है, लेकिन मैंने इसको संभाल के रखने के लिए 2 रुपए ऊपर से खर्च कर दिए हैं। तो देखिए, सपोज 10 रुपीज कॉस्ट प्राइस थी और उसके ऊपर उसने शॉपकीपर ने कहा भैया मेरे को तो 2 रुपए और एक्स्ट्रा पड़े हैं इसके ऊपर, मैं 2 रुपए और मैंने एक्स्ट्रा करे हैं इसके ऊपर खर्च, जो जिससे मैंने इसको संभाल के रखा। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो बनेगा दैट विल बिकम 12 रुपीज। फाइन। मार्किंग योर बुक द डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखिए, समटाइम्स शॉपकीपर्स हैव टू बेयर एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आप कोई चीज मंगाते हो, ट्रांसपोर्ट वाला एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो दोनों को मनी को ऐड कर देता है। कॉस्ट प्राइस, सपोज आपकी आई, आपने 1000 रुपए की कोई टेबल मंगाई और उसके ऊपर उसने कहा जी आपको ट्रांसपोर्ट पड़ेगा 200 रुपए, तो ट्रांसपोर्ट पड़ जाएगा, तो आपके लिए वो एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसकी, 1000 + 200, दैट विल बिकम योर 1200 रुपीज। So the actual cost price will be your 1200. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, sometimes shopkeepers have to bear additional expenses such as transportation charges. ये सारी चीजें overhead expenses में आती हैं, underline कर लीजिए, transportation charges, labor charges और storage charges. I just told you कि उसने 2 रुपए खर्च करे किसी चीज को store करने के लिए, for the articles before selling them. जो उसने, जो भी चीजें उसने extra payment करी है, these charges are called overhead charges. Have you got it? What is overhead charges? They are added to the cost price. वो actual cost price में add कर दिए जाते हैं, तो और उसके बाद हमें को मिलता है actual cost price. So underline this, actual cost price is equal to cost price of an article plus overhead expenses या charges. Underline करिए बेटा, hurry up. Done? Okay. So now another topic is related to profit and loss. Now what is profit and what is loss? You all know, कभी कभी कोई चीज हम खरीदते बेचते हैं तो हमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है. तो cost price, first underline it, underline कर लो पहले on page number 200. Profit and loss पे आएगी topic पे. The cost price and the selling price of an article determine, what determines the profit or loss. क्या बताता है हमको, कि हमें profit, profit means फायदा और लॉस मीन्स नुकसान, क्या चीज़ बताती है हमको, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही होता है जो हमें बताता है कि एक चीज़ को खरीदने बेचने में हमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है. और लॉस इनकर्ड ऑन एन आर्टिकल, अंडरलाइन दिस, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिटरमिन द प्रॉफिट अर्न, दैट इज गेन, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं हम, और लॉस इनकर्ड ऑन एन आर्टिकल. इफ, इसको भी मार्क कर लीजिए, टिक लगा लीजिए इस पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन इट, देयर इज अ प्रॉफिट और गेन. फिर मैं समझाऊंगी, फर्स्ट अंडरलाइन देम, ऑल थ्री फॉर्मूलाज, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. Then I will explain it to you with the examples. ठीक है, कर लिया आपने. Now let me give you one example. Profit or loss क्या होता है. Another topic is regarding profit and loss. Okay, profit को हम gain भी बोलते हैं. क्या हुआ, suppose मैंने एक pen खरीदा, जैसे मैंने अभी आपको example, same example चला रही हूँ मैं, एक पेन खरीदा, आई एम यूजिंग दिस रुपीज साइन बिकॉज मेरे लैपटॉप में वो वाला साइन नहीं है. ओके, सो 10 रुपए की मैंने चीज़ खरीदी,
अब मैंने क्या करा, ये मेरा बन गया कॉस्ट प्राइस। मैंने जैसे अभी आपको बताया ये मेरा कॉस्ट प्राइस था। अब इसी 10 रुपए की मैंने पेन को, मैंने सोचा कि चलो यार काम तो आने रहा, मैं अपने किसी और को बेच देती हूँ आगे। तो मैंने क्या करा, उस पेन को 12 रुपए में, 12 रुपीज में आगे अपने किसी फ्रेंड को या किसी को दे दिया। मैंने उसको कहा जी 12 रुपए का है, तो अब ये मेरा बन गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने इसको बेचा है। सेलिंग प्राइस भी जैसे नाम से पता चल रहा है, जिस पे मैंने बेचा, दैट बिकम्स माय सेलिंग प्राइस। अब आप क्या देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। आई हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2। वाई, कैसे मेरा मुझे प्रॉफिट, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस था जिससे मैंने खरीदा, दैट वॉज माई 10 रुपीज कॉस्ट। इसका मतलब मुझे क्या फॉर्मूला मिला, मुझे कॉस्ट, इसका मतलब मुझे फॉर्मूला मिल गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर हो तो मुझे हमेशा प्रॉफिट होएगा। दिस इज द फॉर्मूला आई हैव गॉट। अगर मेरा सेलिंग प्राइस, ऑब्वियस है ये, आप सोचिए इस बात को कि अगर 12 रुपये में आप 10 रुपये में चीज़ खरीदी, 12 रुपये में बेची, तो ऑब्वियसली आपको 2 रुपीज का फायदा हुआ, दैट इज़ योर प्रॉफिट। इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास, हमने क्या एक्सट्रैक्ट करा, वी गेट दिस फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। नाउ टेक द अदर एग्जाम्पल, सपोज मैंने ₹50 की कोई चीज़ खरीदी, ओके अब ये बन गया मेरा कॉस्ट प्राइस, और अब मुझे इतना नुकसान हो गया, मेरे यूज़ नहीं आ रही वो सामान मेरा, वो चीज़ मेरी यूज़ नहीं आ रही, तो मैंने सोचा इसे ना OLX पे डाल दूँ या किसी पे डाल दूँ और बेच दूँ। और मैंने उसको जितने भी पैसे मुझे मिल रहे थे, सपोज़ मैंने उसको 45 रुपीज़ में बेच दिया, ये बन गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब ख़रीदा तो मैंने जी 50 रुपीज़ का, और उसको मैंने बेच दिया 45 रुपीज़ में, तो मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ ना, क्योंकि मैंने खरीदा तो 50 रुपये तो खरीदने में लगाए और बेच मैंने 45 का दिया, तो मेरे पास कितना लॉस हुआ, मेरा लॉस मेरा हो गया क्या, सेलिंग प्राइस लॉस मेरा हुआ जब कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल गिव मी द लॉस। दिस इज द फॉर्मूला, ओके समझ आ गए आपको क्या हुआ। जब इसका मतलब आपने क्या चीज निकाला, आपने निकाला ये बार कि जब हमारा सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, इट मींस देखिए इस इन दो एग्जांपल से आपको क्या पता चला, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, और जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें मिलेगा लॉस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द स्टोरी सम्स रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। थैंक यू।